हेलो दोस्तों, स्वागत है थ्री जोकर्स के एपिसोड 3 में। और अभी तक आप लोगों ने देखा था कि थ्री जोकर्स के एपिसोड 1 और 2 में क्या हुआ था। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो ज़रूर देखिए एपिसोड 1 और 2, फिर आ जाइए एपिसोड 3 में। आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या सनसनीखेज स्टोरी लाइन चल रही है। तो हम लोगों ने एपिसोड 2 में देखा था कि बैटमैन को अभी तो थोड़ा सा भनक लग गया है कि जोकर्स का मतलब क्या है, अभी मतलब जोकर लोग क्या करना चाह रहे हैं अभी शहर में। तो हम लोगों को दिखता है कि हम लोगों को पहले से ही पता था कि इधर 3 जोकर्स मतलब 3 जोकर इधर मेनली थे, द क्रिमिनल, द क्लाउन जिसको जेसन टॉड मतलब रेड हुड ने मार दिया है, और एक है द कॉमेडियन। अभी इनमें से असली जोकर कौन सा है वो तो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन तब तक बैटमैन को पता चल गया है कि बहुत सारे जोकर पूरे शहर में फैले हुए हैं। हर एक प्रोफेशन से है हर कोई जोकर, कोई है फिशरमैन, कोई है फिलन, कोई जू कीपर, कोई है एक्टर, या फिर कोई है पेंटर, द इन्वेंटर, द कॉर्नर, द केमिस्ट, सब लोग, सब तरीके के लोग हैं जोकर में। और वो 3 जोकर शायद पहले थे और वो 3 जोकर बाकी सारे जोकर्स को बनाए हैं आम आदमियों को लेके, उन लोगों को उस जोकर वाले केमिकल में धकेल के वो लोग नए नए जोकर बना रहे हैं। और उन लोगों का मतलब या फिर एम एक ही है कि एक बेटर जोकर बनाने का। तब बैटमैन बारबरा गॉर्डन को ये बताता है, मतलब बैट गर्ल को ये बताता है। तो बैट गर्ल पूछती है कि बेटर जोकर इसका मतलब क्या है। तो बैटमैन बोलता है कि इन लोगों को चाहिए एक बेटर जोकर जो कि जोकर के नाम को आगे ले जा सके और जोकर का जो नीति है या फिर पागलपन है उसको एकदम बरकरार रख सके। लेकिन तब बारबरा फिर से पूछती है, मतलब बैट गर्ल फिर से पूछती है कि बेटर जोकर इसका मतलब क्या है। तो बैटमैन बताता है कि जेसन टॉड मतलब अंडरहुड मतलब रेड हुड को जोकर ने पूरा का पूरा नहीं मारा था, क्योंकि वो चाहता था तो उसे जान से भी मार सकता था, लेकिन उसे छोड़ दिया था एपिसोड 2 में, क्योंकि वो बैटमैन और बैट गर्ल को इन्फॉर्म करना चाहता था कि एक्चुअली उसका प्लान क्या है। तो शायद ये सब कुछ जोकर के प्लान के माफी की चल रहा है। और तभी बैटमैन बताता है कि मे बी वो लोग अपना रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर वो 3 जोकर जो भी प्लान कर रहे हैं वो हम लोगों को रोकना पड़ेगा। लेकिन तब जेसन टॉड मतलब रेड हुड बताता है 3 नहीं 2 जोकर बचे हैं, मैंने एक को मार दिया है और अभी तक शायद बाकी के 2 भी नहीं बचते अगर तुम इतना वीक नहीं होते उन लोगों को मारने के लिए। और तभी बैटमैन बहुत गुस्सा हो जाता है, एनफ बोल के उसका गर्दन पकड़ लेता है रेड हुड का और उसे दीवार पे भड़क मारता है। और फिर वो बोलता है कि तुम क्या जानते हो, क्या मेरा मन नहीं करता क्या दोनों आँखों के बीच में गोली मार दो उस जोकर के। लेकिन हर वक्त ये सब कुछ नहीं हो सकता है, हमें सोच समझ के कदम लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया तो जोकर और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। लेकिन तभी रेड हुड बताता है कि लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया ब्रूस, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हो, मैंने ही ऐसा किया है। तो अब तुम क्या करोगे, मुझे अरेस्ट करोगे, बारबरा को बोलोगे मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए, इसके बाद उसकी असली पहचान सब लोगों के सामने आ जाएगी, और उसके बाद बैटमैन तुम्हारा भी पहचान सामने आ जाएगा सब लोगों के। तो बैटमैन तब गुस्सा तो रहता है, और रेड हुड भी बैटमैन को ये चेतावनी दे रहा था कि वो अगर रेड हुड को अरेस्ट करने की कोशिश करे तो सब लोगों के सीक्रेट आइडेंटिटी सामने आ जाएंगे शहर में। और तब बैट गर्ल जाके बैटमैन को कंधों से पकड़ती है और बोलती है रुक जाओ, अभी ये समय नहीं है सब लोग ये सब कुछ करने का। तो तब रेड हुड बताता है बारबरा क्या तुम भी इसके साइड में हो। लेकिन तब बैट गर्ल बताती है कि देखो कौन किसके साइड में है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी जो इम्पोर्टेंट है कि सब लोगों को सोचने का तरीका कि तुमने जोकर्स को मार दिया है और अभी ब्रूस बहुत टाइम से तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तब रेड हुड बताता है हेल्प, उसने तो मुझे उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन जोकर ने मुझे मार दिया था। और तभी बैटमैन गुस्सा रहता ही है, बट वो अपने आप को शांत करके बताता है छोड़ो तुम नहीं समझोगे, ठीक है। वो वापस आ जाते हैं और बैटमैन बताता है चलो हम लोगों ने एग्री किया था कि इस केस को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, तो वही करते हैं, उसी पे ध्यान देते हैं। तो तब बैटमैन फिर से आ जाता है केस में और वो जोकर्स के फ़ोटोज़ को दिखा के बताता है कि एक के बाद एक जोकर्स का हर एक का एक एक किस्सा है, और वही जोकर्स जो कि कॉमेडियन है, क्रिमिनल है, क्लाउन था, ये सब लोगों के जोकर, ये 3 जोकर्स के पीछे कुछ
बेहतरीन किरदार है या फिर कुछ बेहतरीन स्टोरी लाइन है, जिसके वजह से ही हम लोगों को पता चलता है शायद इस तीन जोकर्स में से ही कोई असली जोकर है। और तब बैट गर्ल बताती है हाँ शायद वही है, तो बैटमैन भी कंफर्म करता है हाँ इन तीनों में से ही एक है असली जोकर। तब जेसन टॉड पूछता है कि क्या तुम्हें इस जोकर का नाम एक्चुअल में पता है कौन है, तो बैटमैन बताता है नहीं मुझे पता नहीं है और मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। तब बैटमैन बताता है कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो, वो रेड हुड का तकमा छोड़ दो और बैटमैन के साथ मिल जाओ, या फिर रेड हुड बन के जो तुम खून खराबी करते रहते हो वो सब कुछ छोड़ दो, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है। तो जेसन तब बताता है कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, और उसके दिमाग में तब चल रहा था कि जोकर उसे मार गिरा रहा था, पर फिर भी वो अपने दिमाग को शांत रखता है और अपने गुस्से को काबू में रखता है और बोलता है नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए। और तब वो बताता है कि ये सब कुछ छोड़ो, हम लोगों जोकर को मार गिराना पड़ेगा, उसके बारे में सोचो, और तुम क्या कुछ ऐड करना चाहते हो बार-बार जो पूछ रही थी। तो बैटमैन बताता है नहीं यही काफ़ी है। तो जेसन बताता है कि तुम्हें शायद पता है जोकर का नाम, तुम हमें नहीं बता रहे हो। बैटमैन थोड़ा गुस्से में आके बोलता है नहीं अगर मुझे पता रहता तो पहले दिन ही तुम लोगों को बता देता। इधर अचानक सिग्नल बज उठता है ब्लैक गेट आइलैंड से, ब्लैक गेट जेल में कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो बैटमैन, रेड हुड और बैट गर्ल सब लोग पहुंच जाते हैं और उधर से जो चील को निकाला गया था, जोकर आके जो चील को उसके सेल से चोरी करके या फिर अपडॉक्ट करके लेके चला जाता है, ये हम लोगों ने एपिसोड 2 में देखा था। तो उधर बैटमैन आके जो चिल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं है। जो चिल वो आदमी है जिन लोगों ने ब्रूस वेन के बचपन में ही उसके माता पिता को मार दिया था, तो उसकी सज़ा काट रहा था जो चिल ब्लैक गेट प्रिजन में। तो एनीवे बैटमैन उसके सेल में जाता है और उसके सेल में जो बुक शेल्फ है उसमें सारे किताबों के बीच में से कुछ लेटर्स निकालता है और वो सारे लेटर्स थे ब्रूस वेन के नाम। और बैटमैन सारे लेटर्स में देखता है ब्रूस वेन के नाम, देखने के बाद वो बोलता है ये सब कुछ चिट्ठियाँ है, ये ब्रूस वेन को क्यों नहीं भेजी गई। और तब एक गार्ड आके बोलता है तो इसके लिए आपको तो रेवरेंड एवन से बात करना पड़ेगा, उसी को पता है ये सब के बारे में। तो बैटमैन तब जाता है उससे बात करने के लिए। इधर हम लोग देखते हैं ब्लैक गेट प्रिजन के बाहर ही बैट गर्ल और जेसन टॉड खड़े हैं और उन दोनों के मतलब फेस में अभी तो एक ही चिंता है कि जोकर को कैसे रोका जाए। लेकिन तब हम लोगों को दिखता है कि जेसन टॉड मतलब रेड हुड के दिमाग में कुछ ना कुछ तो दुविधा चल रहा था, तो इसीलिए वो फिर सोच समझ के फिर से वो पूछता है बैट गर्ल को कि कैन वी टॉक। और तो वो अपना सॉरी बोलने की कोशिश करता है कि देखो मुझे पता है मैंने सब कुछ एकदम गड़बड़ कर दिया है। तो बैट गर्ल बताती है क्या तुमने गड़बड़ कर दिया है, तुम्हें पता है कि तुमने बैटमैन और मुझे कौन से बड़े फसाद में फंसा दिया है, तुमने हमारे मॉरलिटी को तोड़ दिया है, हम लोग किसी का खून नहीं करते हैं। लेकिन तब बैट गर्ल इतना ही गुस्सा थी और डिप्रेस थी रेड हुड से, वो बताती है कि देखो अगली बार तुम ऐसा करोगे तो मुझे अपने आप को अनमास्क मतलब मेरी ट्रू आइडेंटिटी निकालना ही पड़ेगा सब लोगों के सामने। और तब रेड हुड समझ जाता है कि सिचुएशन काफ़ी ठीक नहीं है, तो वो उधर से उसको सॉरी बोलने की आशा छोड़ देता है। इधर हम लोग देखते हैं बैटमैन जब रेवरेंड हैंड से बात करने जाता है तो वो जोसेफ चील के बारे में बताता है कि जोसेफ चील एक्चुअली स्कूल से तो निकल गया था बचपन में ही, तो उसने पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं की थी, तो ब्लैक गेट प्रिजन में उसे पता चल गया था कि उसने गलत काम किया है जिसके वजह से वो अभी इस प्रिजन में है, तो वो ब्रूस वेन को सॉरी बोलना चाहता था, तो इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा लिखना पढ़ना चालू किया था और उसके बाद ही उसने ये सारी चिट्ठियाँ लिखी थी। लेकिन ये चिट्ठी पोस्ट नहीं हुआ था क्योंकि वो ये सब चिट्ठी लिख रहा था बहुत लेट से, बहुत टाइम ले रहा था, तो फिर बाद में उन लोगों ने ये चिट्ठी पोस्ट नहीं की, तो वो तो ठीक से क्लियर नहीं होता है। इधर हम लोग देखते हैं कि मोनार्क थिएटर में कुछ चल रहा है, मोनार्क थिएटर का एक दरवाजे का सील टूटा गया है और उधर से अंदर कोई गया है। और तब बैटमैन को ये भी बताया जाता है कि जो चिल बहुत दिनों से ही अपने बारे में सोच रहा था और वो उसे पता चल गया था कि उसने कितना बुरा काम किया है ब्रूस वेन के माता पिता को मार के, और तभी
बैटमैन सारी चिट्ठियाँ देखता है और लास्ट में एक चिट्ठी उसे मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है बैटमैन के लिए, और उसके हाथों के लिखाई देख के पता चल जाता है ये शायद जोकर ने लिखा है। और वो एनवलप खोलने के बाद उसे मिलता है मोनार्क थिएटर का द मार्क ऑफ ज़ोरो का एक टिकट और विद कॉम्प्लीमेंट वाला जोकर का एक कूपन। तो उसके बाद उसको पता चल जाता है कि जोकर ने उसे मोनार्क थिएटर में बुलाया है, और मोनार्क थिएटर वही थिएटर है जिससे वेन्स मतलब वेन फैमिली ब्रूस वेन और उसके पिता और माता उसी मोनार्क थिएटर से मूवी देखने के बाद उसके बाजू वाले लेन से घर लौट रहे थे और तभी उन लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं बैटमैन बैट गर्ल उधर जाते हैं और जेसन टॉड भी पहुंच जाता है उधर, और वो तीनों एक एक जगह से एक एक दरवाजे से प्लान करके अंदर घुसते हैं। बैट गर्ल चली जाती है छत से, जेसन टॉड मतलब रेड हुड चला जाता है बेसमेंट से, और बैटमैन सीधा अंदर घुसता है। और वो अंदर जाने के बाद हम लोग देखते हैं एक एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ से बैट गर्ल रेड हुड और बैटमैन अंदर जाते हैं। बैटमैन जिस दरवाजे से जाता है अंदर उसके ऊपर लिखा था प्लीज़ टेक योर सीट्स, मतलब वो अभी फाइनल थिएटर के अंदर घुस चुका है। और उधर एकदम सब कुछ टूटा फूटा हुआ पड़ा था क्योंकि कई सालों से इधर कुछ कोई नहीं आया था, और तभी लाइट बच जाता है और प्रोजेक्टर चालू होने लगते हैं और एक बहुत ही लंबी और ख़तरनाक हंसी चारों तरफ फट पड़ता है, और स्क्रीन में आ जाता है जो चेल और जोकर की तस्वीर। उसी के सामने खड़ा था बैटमैन, और जोकर जो चिल को बता रहा है, पूछ रहा है कि बताओ अभी सब लोगों को तुमने थॉमस और मार्था वेन को क्यों मारा। तब जो चिल बताता है देखो ये तुम जो कर रहे हो मुझे पता नहीं, मैंने वो एकदम डरा हुआ था, और तभी उन लोगों को पता था कि कुछ गलत होने वाला है जब बैटमैन ने बैट गर्ल को सिग्नल दे दिया कि इधर जोकर है। और तभी बैट गर्ल छत से नीचे आ रही थी लेकिन उधर भी बहुत सारे जोकर एक साथ उसके ऊपर हमला कर दिए, और इधर वो लोग बताते हैं कि ऊपर में जोकर्स है, लेकिन तभी जेसन टॉड भी बताता है कि डाउन स्टेयर्स भी जोकर्स है, सारे के सारे सैकड़ों जोकर्स इधर हमला कर रहे हैं उसके ऊपर। तो हम लोगों को ये पता चल ही जाता है कि जोकर का ये प्लान था मोनार्क थिएटर में आके इन तीनों लोगों के ऊपर सारे के सारे जोकर से हमला करवाएंगे, क्योंकि उसने बहुत सारे जोकर्स बना के रखे थे अपना केमिकल सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद इन सारे शहरवासियों के ऊपर। इसके बाद जोकर तब जो चिल को एक रस्सी से लटका देता है और वो बोलता है देखो यही है तुम्हारा क्राइम सीन, और जोकर ये है द क्रिमिनल वाला जोकर। और तब जोकर बताता है कि देखो अभी तुम तीन हो, इधर ही हो, बैटमैन और द क्रिपल और द बच्चा, मतलब वो बैटगर्ल और रेड हुड के बारे में बोलना चाहता है। इसके बाद तब बैटमैन अपने आप से पूछता है कम ऑन चेल मुझे कुछ सहारा दो तुम्हें बचाने के लिए, और तभी स्क्रीन के सामने से ऊपर चला जाता है। और ये सीन एकदम मस्त था क्योंकि स्क्रीन में प्रोजेक्टर में दिख रहा है जो चिल का फेस, और जो चिल तब अपनी कहानी बता रहा था कि उसके सामने वेन्स थे और उसे तब तक पता था कि शहर में जो भी दंगे हो रहे हैं सब कुछ का कारण वेन्स है, और मतलब ब्रूस वेन की फैमिली है, लेकिन उसे ब्रूस वेन के बारे में पता नहीं था कि वो कपल का थॉमस और मार्था वेन का एक बच्चा भी है, और उसके सामने उसके माता पिता को मारना ये ठीक एकदम ही नहीं होगा। ये उसे पता था लेकिन उसे पता नहीं था कि उधर ब्रूस वेन है। तो तभी उसने ये गलती किया था। तो बैटमैन ये स्क्रीन के सामने से ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठने के बाद ही जब वो जोकर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जोकर दिखाता है कि उसके जैकेट के अंदर डायनामाइट्स है, और वो अपने हाथों में एक लाइटर लेके घूम रहा है